जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में 5 दिवसीय मंदाकिनी शरदोत्सव मेला शुरू हुआ। इस मेले का शुभारंभ विधायक शैला रानी रावत और नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण बंजवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर विधायक शैला रानी ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विधायक रावत ने कहा कि मेला महोत्सव हमारी संस्कृति की पहचान और धरोहर है, जिसके माध्यम से आपसी मेलजोल के साथ भाईचारा बढ़ता है। इसी के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर आम जनमानस को उपलब्ध होती है। उन्होंने कहा कि संस्कृति की संरक्षण के लिए इस तरह के आयोजन आवश्यक हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनका अनुसरण कर आगे बढ़ने की दिशा में कार्य कर सके। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियां दी। साथ ही खेल विभाग ने तीनों विकास खंडों के ओपन पुरुष वर्ग में वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मेले का शुभारंभ किया जा रहा है और मेले में बहुत ज्यादा रौनक दिखाई दे रही है और मेला कमेटी की ओर से मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, जो मेला कमेटी इतना भव्य रूप दे रहे हैं मेले को। मैं आप सब लोगों का और मेला समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये मेला वर्ष 2002 से राज्य स्थापना के तहत आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें निरंतर ये मेला चला। और पिछले वर्ष 2020 और 2021 में कोविड के कारण ये मेला संपादित नहीं हो पाया। ये हम चाहते हैं कि जो औद्योगिक विकास मेले हैं, हमारी स्थानीय आर्थिकी बढ़े, मनोरंजन हो, हमारी माँ बहनों में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, और ये इस चीज़ का द्योतक है कि जो हमारी संस्कृति है उसको जो है हम इसी तरह से आगे ले जाते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो जो हम प्रगति की ओर अग्रसर हुए, हमारी जो पौराणिक संस्कृति और विरासत है वो हम खोते जा रहे थे, तो इन मेलों का उद्देश्य इस विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो हमारी परंपरागत जो विरासत सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने का भी है।